हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब संध्या ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए तो आप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस आइकन बटन को दबाएं और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। भारी वाहन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो आप ये देख रहे हैं मैप, इसमें बताइए चिन्हित भाग का क्या नाम है। हम आपके लिए ये ऑप्शन भी दे रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील या फिर क्लच हाउसिंग या गियर बॉक्स या फिर फ्यूल टैंक। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो इसमें दिखाया गया है उसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। भारी वाहन में कौन सी बैटरी की प्रयोग की जाती है? 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 28 वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा 24 वोल्ट, ठीक है। इस इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो कृपया अपना इंग्लिश में ही देख लें, मैं तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। कार्यकारी का सिद्धांत क्या है? क्लच का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? स्लाइडिंग, सेंट्रीफ्यूगल या फिर घर्षण या फिर स्क्रू एवं नट। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है ना, घर्षण यानी कि। तीसरा, निम्न कौन से प्रकार का क्लच है? ये कौन से प्रकार का क्लच है आप देखिए और बताइए। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी मिल जा रहा है, कौन क्लच, क्वायर स्प्रिंग के साथ सिंगल प्लेट क्लच या डायफ्राम क्लच या मल्टीप्लेट सूखे क्लच। तो इसका आंसर बताइए आप, अगर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा, कॉयल स्प्रिंग के साथ सिंगल प्लेट क्लच। तीसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रकार का क्लच है? ये बताइए कौन सी प्रकार का क्लच है, सिंगल प्लेट क्लच या डोंग क्लच या मल्टी प्लेट क्लच या कोन क्लच। तो बताइए पांचवा का आपका डी आंसर हो जाएगा, यानी कि कोन क्लच, सॉरी डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर कोन क्लच, ठीक है। आइए छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न क्लच का क्या नाम है? इस क्लच का नाम बताइए। आपके लिए ये ऑप्शन भी दिए गए हैं, कौन क्लच, डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच या डोंग क्लच या मल्टी प्लेट क्लच। तो देखिए ये आपका वो है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बी यानी कि डायफ्राम क्लच, यानी कि बी, डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच, ठीक है। लिए आगे चलते हैं। निम्न डोंग क्लच में एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का क्या नाम है? इसमें जो एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग है उसका क्या नाम है? स्लाइडिंग सॉफ्ट या ड्राइविंग सॉफ्ट या स्लीव या अंदरूनी दांती। तो आपका इसका आंसर सही बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि स्लीव। चलिए आगे देखते हैं। निम्न चित्र में कौन सा भाग है? ये चित्र है, ये कौन सा भाग है बताइए, सिंगल प्लेट क्लच या मल्टी प्लेट क्लच या फ्यूल कपलिंग या डोंग क्लच। तो इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी, यानी कि फ्लूड कपलिंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, निम्न क्लच का क्या नाम है? ये क्लच देख लीजिए, कौन क्लच, डोंग क्लच, मल्टी प्लेट क्लच या सिंगल प्लेट क्लच। तो इसका देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी यानी कि मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्लूड कपलिंग में एक्स द्वारा दर्शाए गए चिन्ह का क्या नाम है? इसमें जो एक्स है वो किसका नाम है, ड्राइविंग यूनिट ऑपरेटर या क्रैंकशाफ्ट या
ड्रोविन सॉफ्ट या अंदरूनी फिंस? इसका क्या नाम है? इसका जो नाम है अंदरूनी फिंस, यानी कि उत्तर कौन सा सही है? उत्तर डी सही है। क्या डी? ठीक है, तो आगे देखते हैं। अंदरूनी फिंस, ये प्लेट प्रेशर की जांच के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये जो प्रेशर है, प्लेट है, उसको जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेंथ एज और फीलर गेज, या स्टील रूल और एंगेज गेज, या स्ट्रेंथ एज और स्लिप गेज, या पैरेलल ब्लॉक एंड रेडियंस गेज? तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ना, हो जाएगा ए। ए बात करते हैं, यानी कि स्टेट गेज और फीलर गेज, यानी कि ए नंबर आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लच एलाइंग असेंबली में एक्स दर्शाए गए उपकरण का क्या नाम है? इसमें जो एक्स है वो किसका कौन क्या दर्शाता है? स्ट्रेटेड, पैरेलल ब्लॉक, क्लच एलाइंगर, या सिलेंड्रिडल ड्रिफ्ट? तो इसका सही उत्तर बताइए आप, भारत का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी यानी कि आपका ये दिया है, क्या बोलते हैं, क्लच एलाइनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये देखते हैं 13वां क्वेश्चन। फ्लाई व्हील रन आउट चेक करने के लिए एक्स चिन्ह द्वारा दर्शाए गए उपकरण का नाम क्या है? अभी आप ऊपर गए इसको पढ़े थे कि प्रेशर गेज है, तो इसमें जो एक्स का पूछ रहा है वो क्या है? आउटसाइड माइक्रोमीटर, डॉपल टेस्ट इंडिकेटर, या इनसाइड माइक्रोमीटर, या डॉयल बोरगेज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉयल टेस्ट इंडिकेटर, यानी कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तब आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। निम्न चित्र सर्वो पिस्टन में एक्स दर्शाए गए सील का क्या नाम है? इसमें जो ये पिस्टन है इसमें एक्स आपको क्या दर्शा रहा है? चकोर कट सील, या धातु सीलिंग रिंग, या लीप सील, या टेफ्लो सील? बताइए ये जो इसमें एक्स है वो क्या दर्शा रहा है? इसमें जो एक्स है आपका वो दर्शा रहा है कि ये कौन सा है? लीप सील है। ठीक है, लीप सील। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब निम्न चित्र में गियर पेपर है। अब इसमें देखिए गियर जो पेपर है, मतलब गियर बॉक्स, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, गियर बॉक्स कौन सा है? मतलब गियर बॉक्स के भी प्रकार होते हैं ना, तो बताइए कौन सा ये प्रकार है। ठीक है, देख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कंटेंट मेस गियर बॉक्स। ठीक है, यानी कि इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्न चित्र में कौन सा गियर बॉक्स है? अब ये भी देखो गियर बॉक्स पूछा है, कौन सा गियर बॉक्स है आप बताइए? या वही कंटेंट मेस गियर बॉक्स है, या स्लाइडिंग मेस गियर बॉक्स है, या सिंक्रोमीटर गियर बॉक्स है, या ऑटोमेटिक रोलाइडिंग गियर बॉक्स? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी यानी कि स्लाइडिंग मेस गियर बॉक्स। ठीक है, आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। फ्लाई व्हील का फेज आउट चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है बताइए? डायल इंडिकेटर, बोर इंडिकेटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, या इनसाइड माइक्रोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायल इंडिकेटर। ठीक है, यानी कि उत्तर आपका सही है। भाई अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 18वां। ट्राइपोड ज्वाइंट अनुमति एक्सल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये आपको जो आंसर दिया है, ये ट्राइपोड ज्वाइंट है। ठीक है, जो इसमें अनुमति एक्सल डिस्प्लेसमेंट क्या है वो पूछ रहा है। 55mm का, 58mm का, या 64mm का, या 68mm का? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? 55mm का। ठीक है, ट्रांसवर्स ज्वाइंट अनुमति एंगल क्या है? ट्रांसवर्स ज्वाइंट अनुमति एंगल क्या है?
13 अंश, 18 अंश, 26 अंश या 32 अंश। तो इसका जो अंश होगा ठीक है वो क्या हो जाएगा, 26 अंश। ठीक है, ये 26 अंश हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यही। निम्न कौन सी प्रकार का कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट है, अब बताइए कौन सी प्रकार का वेलोसिटी ज्वाइंट है। यहाँ पे आप देखो, पेलोड ज्वाइंट, ट्राइपोड ज्वाइंट या बॉल ज्वाइंट या डबल ज्वाइंट। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि कौन सा ज्वाइंट है, बी आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्राइपोड ज्वाइंट। ओके, तो यहीं पे हमारा ये सेक्शन तो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई आप कमेंट करके बता दीजिए, इस पर और वीडियो बनेगा। फिलहाल ये पार्ट वन है, पार्ट सेकेंड भी आएगा। जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक ये वीडियो आता ही रहेगा। ठीक है, आप इसे देखिए, वो अपना कार्य शुभ बनाइए, और जो भी लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत।